तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं डोरेमोन के कुछ हॉरर मूवीज़ के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने डोरेमोन तो देखा ही होगा। डोरेमोन के कुछ ऐसे मूवीज़ भी है जिनको अगर हम बचपन में देखते थे तो हमारी फट के चार में आ जाती थी। गाइस उन मूवीज़ को अभी तक अगर मैं याद करूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। खासकर वो सेकेंड वाली मूवी जो मैं आज आपको बताऊँगा, वो वाली मूवी, बिकॉज मैंने वो बचपन में देखी थी तब मेरी पेंट गीली हो गई थी। तो गाइस आज मैं आपको उस मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर एक छोटा बच्चा देख ले तो काफ़ी डर जाएगा। काश अभी तो आप लोग नहीं डरोगे क्योंकि अभी आप लोग शायद बड़े हो चुके हो, लेकिन बचपन में आप लोग सच्ची सच्ची बताना कि इन मूवीज़ को देखने के बाद डर लगता था कि नहीं। तो गाइस चलिए आज के काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नंबर थर्ड पे जो मूवी आती है उसका नाम है डोरेमोन द मूवी थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन। गाइस ये मूवी गाइस बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मूवी थी। यहाँ तो हॉरर तो इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन मिस्टीरियस मूवी थी। अब मैंने इसको हॉरर मूवीज़ के लिस्ट में क्यों डाला है आप लोग सोच रहे होंगे। तो गाइस जो इसके विलन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हॉरर थे, मतलब उनको देखने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था हमको। मतलब उनको देखने से सच्ची में बताऊँ मतलब भाई बहुत डर लग जाता था मुझको अगर उनको मैं देख लूँ तो। तो भाई इसीलिए गाइस मैंने इस मूवी को नंबर थर्ड पे रखा है। चलिए नंबर सेकंड की मूवी को जान लेते हैं। तो नंबर सेकंड पे जो मूवी आती है डोरेमोन की उसका नाम है नोबिता वना सुपर हीरो। अब इसमें सुपर हीरो शब्द सुनने के बाद आप लोग समझोगे कि इसमें क्या हॉरर है। तो गाइस नहीं गाइस, जब गाइस नोबिता पास्ट में जाके कुछ गलतियाँ कर देता है और हमारी प्रेजेंट में कुछ गलतियाँ हो जाती है और ये वर्ल्ड मॉन्स्टर वर्ल्ड बन जाता है, तब के सीन्स गाइस बहुत हॉरर थे। लिटिल गाइस मैं जब छोटा था तब मैंने इस मूवी को एक बार रात को देख लिया था और भाई मैं बहुत डर गया था। लिटिल मैं सच्ची सच्ची बताऊँ भाई, आई स्वेयर कि भाई उस टाइम घर पे कोई भी नहीं था और मैं उस मूवी को देख रहा था। भाई मेरी भाई फटके चार हो गई थी भाई। और मैंने उस मूवी को फर्स्ट टाइम मोबाइल पर ही देखा था, मैंने टीवी पे उस मूवी को नहीं देखा था। और मोबाइल पे देखने के बाद मेरी फट के हाथ में आ गई थी, क्या ही बताऊँ भाई। घर पे कोई नहीं था और मूवी को देखने के बाद बहुत डर लग गया था। आप लोग भी जाके देखो उन सीन्स को और बताओ कि अगर उसको एक छोटा बच्चा देख ले उसकी क्या हालत होगी। अब तक मैंने जितनी भी मूवीज़ के बारे में बताया उन मूवीज़ को आप लोग हिंदी में देख सकते हो बिकॉज वो हिंदी डब्ड है, लेकिन ये वाली मूवी अभी तक हिंदी डब्ड नहीं हुई है। जी हाँ, सो इसका नाम है डोरेमोन द मूवी जादू अंतर जन्नू। मगर गाइस ये मूवी हिंदी डब हुई है, मगर इसका न्यू एनिमेशन वाला हिंदी डब हुआ है, इसका ओल्ड एनिमेशन हिंदी डब्ड नहीं हुआ है अभी तक। और गाइस उसको आप लोग इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो और वो काफ़ी हॉरर सीन से भरी पड़ी है भाई। जादू मंत्र और जन्नूम का ओल्ड वर्जन, ध्यान रखना ओल्ड वर्जन, जो कि अभी तक हिंदी डब्ड नहीं हुई है। और गाइस ये इतना हॉरर है कि इसको जापान में बैन तक कर दिया गया था। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितनी हॉरर मूवी थी। तो गाइस इन सभी मूवीज को आप एक बार तो चेक इट आउट कर लेना, अगर आपने देखा होगा तो फिर से देख लेना, बिकॉज गाइस पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और गाइस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि गेट वेट लगा के, लाइट वेट बंद करके, हेडफोन्स अंदर डाल के इस मूवीज़ को देखना, तब आपको असल वाइब्स आएगी। तो गाइस आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो गाइस कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको आप लोग मेरे थॉट यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने बता चुका हूँ कि कौन से प्रॉब्लम्स थी। और मैं मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। नाच नाच के उदम मचा रही, सारा क्लब है सर पे उठा रही, पहले कोला मिला के पी रही थी, अब पैग यूनिट लगा रही।